और अगर इस तरह की एनवायरमेंट आप प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली योर विल परफॉर्म वेल द जनरल ड्यूटी क्लास देर इज नो स्पेसिफिक सेफ्टी हेल्थ फॉर गिवन सिचुएशन अगर किसी किस्म की गिवन सिचुएशन में स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है या वो साइलेंट हैं तो वहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको लेके हम आगे मूव कर सकते हैं ऑकुपेनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडर्ड डिप बेस्ड ऑन इट्स परसेप्शन ऑफ नीड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अदर फेडरल एजेंसीज स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट। अगर फेडरल लेवल पे देखा जाए प्रोविशल लेवल पे देखा जाए लोकल लेवल पे देखा जाए तो लोगों की नीड के मुताबिक भी इन चीज़ों को टेलर किया जा सकता है ताकि आर्गनाइजेशन के अंदर जो नेशनल लॉज हैं उनकी एप्लीकेशन हो आर्गनाइजेशन के लॉज हैं उनके एप्लीकेशन हो और जो एक्ट स्टैंडर्ड डिवेल्प किए गए हैं उनकी एग्जीक्यूशन हो आक्योपेषनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन यूज़ द कमेटी अप्रोच फॉर डिवेलपिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन यूजिज द कमेटी अप्रोच इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने स्टीयरिंग कमेटी बनानी है फिर सब कमेटीज बनानी है और हर कमेटी अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से रिस्पॉन्सिबल होगी ताकि उन गोल्स को एक टॉप लेवल तक इम्प्लीमेंट किया जा सके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडिंग कमेटी आज द नेशनल एडवाइजरी कमेटी नेशनल वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री लेवल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोविंस लेवल्स और एनी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स और सिटी लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडिंग कमेटी आज द नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकोपेशनल सेफ्टी एंड द एडवाइजरी कमेटी ऑन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एंड हेल्थ यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं जब वो किसी मुल्क में एंटर होंगी तो वहाँ पर उस मुलक के जो लॉज होंगे वो उस पर इम्प्लीमेंटेड होंगे और उनको अबाइड बाय करना फॉलो करना पाबंदी करना यह उस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन के जो लॉ हैं उनको फॉलो करना उस ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि किसी किस्म की वर्क इंजरी से बचा जा सके